शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोलो, है कोई जवाब? क्या गारंटी है कि तुम दोनों इस दोस्ती के रिश्ते का दायरा पार नहीं करोगे? आप हमें कभी समझी नहीं ताई जी। माना, हम तुमको कभी नहीं समझे। तो एक काम करो ना, आज तुम हम सबको समझाओ कि ये दोस्ती निभाओगी कैसे। अम्मा जी, आप नहीं जानना चाहेंगी कि आपकी बहुरिया ये दोस्ती का रिश्ता कैसे निभाएगी? समझाओ सबको, कैसे निभाओगी? सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। हमने अपने पूरे दिल से शिवांश के साथ अपना पुराना रिश्ता भुला दिया है और दोस्ती के पवित्र रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। ईमानदारी वाली दोस्ती जो तुम्हारी और रोहन की थी, है ना? और आखिर में क्या हुआ? तुम पर ना श्रवणी एक कौड़ी का भी भरोसा नहीं है। कहा है कि तुम हमारी बेटी की जिंदगी वैसे ही बहुत खराब कर चुकी हो। अब तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। अब मत करो। दोस्ती का तमाशा और बंद करो ये दोस्ती का ढोंग। काहे कि तुम दोनों कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। बड़की ठकुराइन, दुल्हन चाहती तो सबके सामने शिबू का हाथ पकड़ लेती, लेकिन तुम्हारी बेटी पेट से है इसलिए इसने अपने कदम पीछे ले लिए। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? लेकिन अम्मा जी, चंद्रा जी, बच्चों ने परिस्थिति के हिसाब से जो फैसला लिया है हमें उसका सम्मान करना चाहिए, यही सही है। शिवांश, क्या आप इस नई दोस्ती के रिश्ते में हमारा साथ देंगे? हमने आपसे दोस्ती का वादा किया, इस रिश्ते को हम जरूर निभाएंगे। फाइनली अलग हो ही गए, अब हम तुम्हें अपना बनाकर रहेंगे श्रवणी, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े।
शिवांश और श्रवणी को यह साबित करो तुम जैसा प्यार करने वाला ना उन लोगों को कभी नहीं मिलेगा। रोहन सो जाते हैं। रोहन अपना बिस्तर क्यों हटा रहा है? रोहन ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों? क्यों? हम दोनों साथ में एक कमरे में रहते हैं। हमारी मांग में हमारे नाम का सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है। दुनिया की नजर में हम पति पत्नी हैं। और वैसे भी तुमने कहा ना कि अब तुम्हारा और शिवांश का सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस रिश्ते को एक मौका दिया जाए। मौका? समझे नहीं, तुम बोलना क्या चाहते हो? शवनी, हम बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे करीब नहीं आना चाहते। रोहन, अभी कुछ समय पहले तुम हमें शिवांश के पास भेज रहे थे और अब तुम ये पति पत्नी का रिश्ता, वो क्या गया है तुम्हें? और अगर तुम्हें याद नहीं तो तुम्हें बता दे कि शादी से पहले हमने तुमसे कुछ कहा था, याद है? हमारी शादी होगी, फेरे भी होंगे, समाज के सामने पति पत्नी भी कहलाएंगे, लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं होगा, बस कहने के लिए पति पत्नी होंगे हम। मंजूर है, याद है शकी, सब याद। इसीलिए हम तुम्हें शिवांश के पास छोड़कर आए थे, तुम्हें इस रिश्ते से आजाद किया, पर तुम नहीं गई, तुम लौट कर आई। शकी, तुम अब भी आजाद हो, लेकिन अगर तुम्हें हमारे साथ रहने में तुम्हें अजीब लगता है तो तोड़ दो ये रिश्ता, खत्म कर दो। अगर हमने ये रिश्ता तोड़ दिया ना रोहन, तो शिवांश भी स्वीटी से अपना रिश्ता तोड़ देंगे और हम किसी का घर नहीं तोड़ सकते। सही कहा, स्वीटी के लिए तुम उस रिश्ते को नहीं तोड़ सकते, पर हमारे रिश्ते का क्या? बोलो, हमारे रिश्ते का क्या? स्वीटी हमारे बच्चे की मां बनने वाली है। शिवांश, अब हम बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं। स्वीटी, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ शिवांश? अब तो हमारे बीच दीदी भी नहीं है, तो फिर
ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो शिवांश, चलो बैठो। पता है शिवांश, हम जब तुम्हारे साथ होते हैं ना, हम बहुत खुश होते हैं। और अब तो हम तुम्हारे बच्चे के माँ भी बनने वाले हैं। तुम्हारे प्यार की निशानी है हमारे पेट में। तो सारी रात हमारा हाथ पकड़ के सोएंगे तो ये भी तुम्हें महसूस करेगा। तो चलो हमको सुला दो, हमको बहुत नींद आ रही है। रोहन, आखिर तुम चाहते क्या? चल क्या रहा है तुम्हारे मन में, साफ साफ बताओ। मैं हमने कहा ना, हम तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे करीब नहीं आना चाहते। हम तो बस तुम्हारा हाथ थामना चाहते, तुम्हारे साथ रहना चाहते। इसमें क्या गलत है? और अगर तुम्हें फिर भी ये सब बहुत अजीब लग रहा है तो ये लो। अभी तक ये तुम्हारी मर्जी से ही हटेंगे। तुमने कहा ना कि तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहती हो, तो बस ये समझ लो कि ये हमारी कोशिश है तुम्हारा भरोसा जीतने की। शिवांश भी हमेशा बैठ के उस तरफ ही सोते थे। हाथ पकड़ के सोएंगे ना, तभी तो ये तुम्हें महसूस कर पाएगा। बस अब थोड़े दिन ये नाटक चल जाए, फिर हम तुमको अपने बहुत करीब ले आएंगे। शिवांश, लाइट ऑफ करो ना। दूध रोक के और अदरक ठोक के बनाओ, इनको कड़क चाय पसंद है। कॉलेज में कुछ ज्यादा ही जोर से बोल दिए थे, माफ कर दीजिए ना। क्या श्रेय, तुम ठीक तो? शवनी, रोहन हमसे नहीं हो पाएगा ये, हम नहीं कर पाएंगे ये, हमें माफ कर दो प्लीज। हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। रोहन देखो, तुम्हारा गुस्सा समझते हैं, तुम अपना हक चाहते हो,
वो भी जायज है, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। हमें माफ कर दो, अगर तुम खुश नहीं हो तो हम ये रिश्ता तोड़ देते हैं। नहीं श्रवणी, ये शादी तो अब नहीं टूटेगी। टूटेगी तो तुम्हारी सिद्ध। इतना कमजोर कर देंगे हम तुम्हारे आत्मविश्वास को कि हमारा हाथ थामे बिना तुम एक कदम भी नहीं चल पाओगी। नहीं नहीं श्रवणी, ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो इट्स ओके, हम वहीं सो जाते हैं। तुम इस हालत में इतना स्ट्रेस मत लो, तुम आराम से सो जाओ। यहाँ हम वहां सो जाते हैं, हम ही चले जाते हैं। तुम आराम से सो जाओ। मम्मी, ये बच्चे का नाटक करने के बावजूद भी शिवांश हमारे करीब नहीं आ रहे। कल पता है क्या हुआ? कल हमने शिवांश को जबरदस्ती हमारे साथ सुलाया। हमें नहीं लगता कि शिवांश कभी भी हमारा हो पाएगा। तुम्हें पता टीका कैसे बनता है? टीका? कौन सा टीका? अरे इंजेक्शन जो लगता है, जो बीमारी होती है ना, उसी कीटाणु से बनता है। जब चेचक हो जाता है ना, तो जो चेचक के कीटाणु हैं, वही मरीज के शरीर में डाल दिए जाते हैं, तभी वो ठीक होता है। मम्मी, आपकी ये गोल गोल बातें हमारे भेजे में नहीं गुज रही है। अब सीधे सीधे बताइए ना, क्या बोलना चाहते हैं? श्रवणी की वजह से तुम्हारी और शिवांश की शादी हुई थी ना, अब श्रवणी की वजह से ही शिवांश तुमसे प्यार करेगा। श्रवणी की वजह से शिवांश हमसे प्यार करेगा? मम्मी अब क्या बोल रही हो? तुम अंगूर खाओ, अलंगूर के बारे में मत सोचो, और हम जो कह रहे हैं चुपचाप करो और अपना भेजा मत लगाना। रोहन, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, आज प्रैक्टिकल्स है, जाना है ना? शमी, हमें हमारी तबीयत सही नहीं लग रही, लगता है बुखार आ गया। बुखार? ऐसे अचानक? हाथ तो अपना। एक मिनट, रोहन चेक करो, देखो कितना फीवर है। ज्यादा बुखार नहीं है, हम दवा दे देते हैं। ये लो। तुम आराम करो रोहन, हम कॉलेज में इन्फॉर्म कर देंगे।
शमनी, अगर यही हालत शिवांश की होती तो तुम उसे छोड़कर यूं जाती कॉलेज? पहली बात तो ये रोहन कि अगर शिवांश को बुखार भी होता ना तो वो हमें नहीं बताते ताकि हम अपने प्रैक्टिकल्स ना मिस करते। उन्होंने हमेशा खुद से ज्यादा हमारे सपनों की परवाह की है। भरोसा तुम्हें रखना चाहिए रोहन, हमने तुम्हारा बुखार चेक किया, तेज नहीं है। मेडिसिन भी ले ली है तुमने, तुम आराम करो, ठीक हो जाओगे। और हाँ रोहन, प्लीज प्लीज शिवान से खुद की तुलना मत करो, तुम्हें सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं मिलेगा। शिवांश को लगता है कि हम पति पत्नी के रिश्ते में कितना आगे बढ़े, इसीलिए उन्होंने आज ये पार्टी भी रखी है। हम तुम्हारे साथ प्यार करने की एक्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि हम तुमसे सच में प्यार करते हैं। ये शराब की बोतलें शराब के लिए नहीं, खेल के लिए है। बताओ क्या चूज करोगे? हम डेयर चुनेंगे। बीवी से कहो कि गालों पे किस करे। हम ये डेयर पूरा करेंगे। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।